नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। आज सोमवार का दिन है, कमोडिटी बाजार का हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, फर्स्ट वर्किंग डे है। आज जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और जानकारों का क्या कहना है कि आगे जाके किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर। सबसे पहले ग्वार गम और ग्वार सीड से। तो ग्वार गम और ग्वार सीड को हमने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखा था कि ज्यादा तेजी तो नहीं देखने को मिली थी, हल्की सी रिकवरी जरूर दर्ज हुई थी ग्वार सीड के अंदर, लेकिन कुछ ज्यादा खास ना गिरावट बनी थी ना ही ज्यादा खास तेजी बनी थी। वहीं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देख रहे हैं कि ग्वार गम का अप्रैल वायदा 10,800 के ऊपर है, 1% की करेक्शन है। ग्वार सीड का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 5,900 के ऊपर है, 1% की करेक्शन ग्वार सीड के अप्रैल वायदा में भी देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड की जो कीमतें हैं उनमें एक सीमित दायरे में अभी भी ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और जो कीमतें हैं उनमें भी करेक्शन देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, उनके अनुसार 15 से 20 मार्च के दौरान या इसी तारीखों के आसपास ऐसा हो सकता है कि ग्वार के जो प्राइजेज हैं उनमें एक उछाल देखने को मिले, क्योंकि अभी कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सभी देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने से परहेज किया है, बच रहे हैं, क्योंकि सभी जो देश हैं वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो रुक जाए और सभी देश रशिया को किसी ना किसी तरीके से आर्थिक चोट पहुँचाना चाह रहे हैं, जिससे कि रशिया थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, उस पर थोड़ा आर्थिक संकट आए और वो यूक्रेन पर हमला कम कर दे या फिर रोक दे। ऐसे में अब जो बाकी देश है उन्होंने अपने क्रूड इन्वेंट्री से थोड़ा स्टॉक निकाला है, रिलीज किया है, लेकिन अमेरिका पूरी पूरी कोशिश करेगा कि जो ऊंची कीमतों वाली कच्चे तेल की जो मार्केट है इसको कैप्चर करने की, अमेरिका बीच में कूदने की जरूर कोशिश करेगा। ऐसे में अगर अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिकी सरकार है बाइडेन सरकार, अगर वो यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा कर देते हैं 15 से 20 मार्च के आसपास, तो और उसमें स्टिमुलस पैकेज में कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, उसके लिए भी पैसा अलॉट किया जाता है, तो हो सकता है कि जो ग्वार के जो प्राइजेज हैं उनमें एक उछाल देखने को मिले, ऐसी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन उछाल तभी होगा अगर वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा होती है और उस स्टिमुलस पैकेज में भी कच्चे तेल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, तभी ग्वार के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ते नजर आएंगे। अब अमेरिका से ही अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी क्यों बढ़ेगा ग्वार के प्राइसेस, और मिडिल ईस्ट में अगर कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ता है वहाँ से क्यों नहीं बढ़ेगा ग्वार के प्राइसेस, इसका भी एक कारण है, इसका भी एक रीज़न है। कारण ये है कि मिडिल ईस्ट के जो कुएं हैं कच्चे तेल के वो पुराने हैं, वहाँ पे ग्वार गम का पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है ड्रिलिंग के दौरान, लेकिन जो US के जो कुएं हैं कच्चे तेल के वहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है उनकी ड्रिलिंग, कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए वहाँ पर ग्वार गम का जो इस्तेमाल है ड्रिलिंग के पर्पज़ के लिए वो किया जाता है, क्योंकि वो नए कुएँ हैं कच्चे तेल के। इसीलिए जब जब अमेरिका में क्रूड का उत्पादन बढ़ता है तब तक ग्वार के जो प्राइसेज हैं उनमें तेजी देखने को मिलती है, ना कि जब मिडिल ईस्ट के जो वहाँ पर जो कच्चे तेल का जो उत्पादन है तब बढ़ता है तब देखने को मिलती है। अमेरिका से ही कनेक्शन है ग्वार गम का। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 7,250 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.5% की बढ़त है। देख रहे हैं कैसा सीड 7,200 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। जानकारों के अनुसार कैसा सीड हो सकता है यहाँ से थोड़ी एक नरमी दिखा दे, हल्की सी करेक्शन दिखा दे, जो बाजार है 6,900 से 7,000 के दायरे में आ जाए, क्योंकि मंडी मार्केट्स में भी देख रहे हैं कि अराइवल का प्रेशर है, कैसा सीड की जो अराइवल्स हैं वो देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर, जिसकी वजह से कैसा सीड का जो बाजार है वो थोड़ा वायदा में नीचे जाता नजर आ सकता है, 6,900 से 7,000 के बीच में जाता नजर आ सकता है कैसा सीड का वायदा बाजार। तो निचले स्तर पर खरीदारी में रहना है और कैसा सीड में एक बार फिर से तेजी देखने को जरूर मिलेगी। इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे की थोड़ी थोड़ी अब धीरे धीरे इंप्रूव हुई है, उठती नजर आ सकती है, प्रोडक्शन हमने पहले से ही कम देखा है तो फंडामेंटली तो मजबूत है, इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, थोड़ी और इंप्रूव हो जाएगी तो कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी और जो कैसा सीड है 7,500 के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पे दिखाता नजर आ सकता है, तो ओवरऑल रुझान कैसा सीड में भी तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करेंगे यहाँ से बिनौला खल की।
बिनौला खल में देख रहे हैं कि बिनौला खल का मार्च वायदा 3204 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1% की बढ़त है। वहीं अप्रैल वायदा भी 3228 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1% की बढ़त के साथ। बिनौला खल में देख रहे हैं कि आज भी 3200 के लेवल पर ही ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। पहले हमने 3100 के लेवल पर देखा था, अब देख रहे हैं 3200 के लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। जानकार अभी भी बता रहे हैं कि खल की जो डिमांड है ऊपरी स्तरों से ऊंची कीमतों के होने के कारण वो थोड़ी कम होती नजर आई है, जिसकी वजह से बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि बिनौला खल मार्च महीना शुरू हो चुका है, मार्च और अप्रैल के दौरान बिनौला खल यहाँ से तेजी की ओर जाता नजर आ सकता है और 3800 से 4000 तक के भी जो स्तर हैं बिनौला खल में देखने को मिल सकते हैं। तो बिनौला खल में 2 महीने के अंदर अंदर एक लंबी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली बिनौला खल मजबूत नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कॉटन का प्रोडक्शन इतना है नहीं जिससे कि खल निकले, और हरे चारे की भी जो कीमतें हैं उनमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पशुओं पर निवेश कम किया जा रहा है। और पशुओं पर निवेश का मतलब सीधे सीधे तौर पर दूध से होता है, क्योंकि अगर पशुओं पर निवेश कम किया जाएगा तो पशु दूध कम देंगे, और बिनौला खल ही एक ऐसा मात्र उत्पाद है जो पशुओं में दूध की फैट की मात्रा को बढ़ा सकता है, दूध को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमांड निकलने की कुछ उम्मीद नज़र आ रही है। वैसे ओवरऑल रुझान बिनौला खल में तेजी वाला ही है। बात करें यहाँ से अगर अब मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा 10800 के ऊपर है, 1.5% की करेक्शन है। जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 20300 पर, 2% की गिरावट के साथ। जीरे का अप्रैल वायदा 20500 के लेवल्स पर है, 2% की गिरावट जीरे के अप्रैल वायदे में भी देखने को मिली। मार्च और अप्रैल वायदा जीरे का दोनों ही 2-2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और हल्दी का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 9100 पर आ चुका है, 2% की गिरावट के साथ। हल्दी में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, 10000 का जो लेवल था हल्दी में, वहाँ से सीधे 9100 यानी 900 पॉइंट की गिरावट हल्दी में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अभी मार्केट्स के मंडियों में धनिया और जीरे की जो नई फसल का जो आगमन है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बाज़ार है वो अभी और नीचे जाएगा। लेकिन फंडामेंटली बाजार मजबूत है, ये बस आवकों का प्रेशर, आवकों का जो दबाव रहेगा मंडियों में जीरे और धनिए का, उसकी वजह से जो बाजार है वो नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन निचले स्तर पर घबराना नहीं है, लेके चलना है, निचले स्तर पर खरीदारी में रहना है। जो लोग पहले खरीदारी से चूक गए थे वो निचले स्तर पर खरीदारी ज़रूर करें, लेवल्स अभी थोड़े और टूटने दें, थोड़ी और गिरावट आने दें। जब अच्छी गिरावट आ जाए तब वहाँ पर खरीदारी करें, और जून जुलाई अगस्त तक धनिया जो जी धनिया हुआ जीरा हुआ ये दोनों मसाले आपको शानदार मुनाफा देते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। जीरे में हमारे एक्सपर्ट 25000 का लेवल बता रहे हैं और धनिया में 18000 के करीब का। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करंट लेवल से अभी मसालों में कितनी तेज़ी आने वाली है। तो ओवरऑल रुझान धनिया और जीरे में तेजी वाला ही रहने वाला है। मसालों में 2022 में शानदार बढ़त ही देखने को मिलेगी। अभी कुछ गिरावट इसलिए भी है क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो चल रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी हिट हुई है, शिपमेंट कॉस्ट आवाजाही माल ढुलाई की जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ गई है, कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी है, इसकी वजह से जो शिपमेंट कॉस्ट है एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर डिमांड थोड़ी कम निकल रही है। अब जो 1000 टन खरीदता था माल वो 100-200 टन से ऊपर की बात नहीं करता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही माल खरीद रहा है व्यापारी। तो ऊंची कीमतों के होने के कारण ही ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटली साइड से जीरा हुआ धनिया हुआ दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हैं। बात करेंगे यहाँ से अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन यानी कि अमेरिका का सोयाबीन वायदा $1685 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2% की तेजी है। देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोयाबीन हम NCDX पर 7900 के लेवल्स पर पहले ही जाते हुए देख चुके हैं, लगभग 8000 पर ही बंद 8000 के लेवल दिखा चुकी है सोयाबीन NCDX पर। अब यहाँ से सोयाबीन में जो एक्सपर्ट हैं वो और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी, उनके मुताबिक सोयाबीन यहां से 8500 के भी पार जाती नज़र आ सकती है, लेकिन इसके लिए 2-3 हफ्तों का वक्त लग सकता है, कम से कम इतना समय ज़रूर लग सकता है। और अगर
जिस हिसाब से विदेशों में तेजी देखने को मिल रही है, अगर वहां से वहां पर तेजी और ज्यादा बढ़ती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ता है और सोयाबीन की कीमतों में और उछाल आता है, तो उसका असर घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर भी जरूर देखने को मिलेगा और वो 8,500 से 9,000 तक जाती नजर आ सकती है। तो सोयाबीन में भी तेजी वाला ही रुझान है। दूसरा, CPO हुआ यानी कि कच्चा पाम तेल हुआ, रिफाइंड सोया हुआ, इनकी इन खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं उनमें जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। सरसों तेल में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन हो की उम्मीद के बावजूद सरसों तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल जो भारत है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर अभी नहीं हुआ है, अपना 60% से ज़्यादा क्या जो आपूर्ति के लिए जो भारत है वो आयात पर निर्भर है खाद्य तेलों की, और अगर विदेशों से वहाँ से महंगा तेल आता है तो उसका असर घरेलू तिलहन की कीमतों पर भी ज़रूर देखने को मिलता है। अब जैसे सूरजमुखी का तेल है यूक्रेन से आता है, यूक्रेन से, रशिया से और अर्जेंटीना से, इन तीनों देशों से आता है, सबसे ज़्यादा यूक्रेन से आता है, वहाँ पर अभी युद्ध की स्थिति है, वहाँ से सूरजमुखी का तेल बंद हो गया। अब जो सूरजमुखी तेल की जो खपत है वो कहीं पर डाइवर्ट होनी है, कहीं पर तो जानी ही है, तो ऐसे में सोयाबीन तेल हुआ, कच्चा पाम तेल हुआ, इन तेलों के ऊपर, सरसों हुआ, इन तेलों के ऊपर सूरजमुखी तेल की जो खपत है वो डाइवर्ट हो रही है। और कच्चा पाम तेल की जो कीमतें हम पहले से ही देख रहे हैं कि उनमें जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया मलेशिया में सप्लाईज टाइट हैं और उन्होंने रशिया यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए भी वहाँ की कच्चा पाम तेल की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, जिसकी वजह से भारत को भी महंगा खाद्य तेल खरीदना पड़ रहा है। भारत की अब मजबूरी हो गई है महंगा खाद्य तेल खरीदने की। और सोया रिफाइंड सोया तेल जो सेबी ने बैन किया था NCDX के ऊपर, उस बैन का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब बैन किया था तब 1100-1200 के लेवल पर था और अब 1500 के ऊपर जा चुका है, 1500 रुपये के ऊपर, तो बैन का तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन रिफाइंड सोया तेल महंगा ज़रूर हुआ है। तो सोयाबीन की भी जो कीमतें हैं और तेल की भी जो कीमतें हैं आगे जाके वो तेजी वाली ही रहने वाली हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे कि कोई भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल जैसे सरसों तेल है, अगर उस पर MRP 155 रुपये की है, 160 रुपये की है, तो दुकानदार उसको 170-180 में बेच रहे हैं। दुकानदारों ने तो सस्ते में ख़रीदा था उस समय भी, लेकिन जो आयात हो रहा है वो तेल महंगा होने के कारण जो बाज़ार में जो तेज़ी आई है उसकी वजह से जो व्यापारी है सोया तेल रिफाइंड हो गया, सरसों तेल हो गया, अब इसको महंगा करके बेच रहे हैं। तो इसी से अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में खाद्य तेलों के दाम फिर से कितने बढ़ने वाले हैं। और अभी तक सरकार एक्शन में नहीं आई है इस चीज़ को लेकर, खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार जल्द ही एक्शन में आ सकती है खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर। सरकार की नज़रें भी हैं और अगर लगातार ऐसी स्थिति बनी रही तो सरकार खाद्य तेलों को लेकर भी कोई फैसला जरूर लेगी। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और जानकारों की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट MCV पर।